गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को असेंडिंग ऑर्डर पढ़ाने जा रही हूँ। ये जो असेंडिंग ऑर्डर है क्लास थर्ड से क्लास सिक्स तक के बच्चों के लिए है, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं। असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है? स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, यानी आप छोटी वैल्यू से लेके बड़ी वैल्यू तक जब पहुँचते उसे असेंडिंग ऑर्डर कहा जाता है। जैसे देखिए, यहाँ सामने आपके सामने गिवन है चार्ट। सबसे छोटी वैल्यू क्या है? वन, फिर टू, फिर थ्री, फिर फोर। तो हम छोटे से बड़े की ओर जाते हैं, ओके। स्मॉलेस्ट वैल्यू से लार्जेस्ट वैल्यू की ओर जाते हैं, उसे क्या कहा जाता है? असेंडिंग ऑर्डर, ओके। नेक्स्ट, फिर देखिए इसमें भी वैसे ही है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। हम सबसे पहले फर्स्ट से शुरुआत करते हैं, फिर फर्स्ट से बड़ी वैल्यू सेकंड, सेकंड से बड़ी वैल्यू थर्ड, और थर्ड से बड़ी वैल्यू फोर्थ। तो क्या होता है असेंडिंग ऑर्डर बच्चों? स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। फिर से अगेन देखिए, हमारे सामने एक न्यू चार्ट आ चुका है। असेंडिंग ऑर्डर किसे कहते हैं? स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। सबसे पहले वन है, वन से बड़ी वैल्यू क्या होता है? टू। टू से बड़ी वैल्यू क्या होता है बच्चों? थ्री। थ्री से बड़ी वैल्यू क्या होता है? फोर, ओके। नेक्स्ट चार्ट में भी देखते हैं। देखिए, एक इंसान सीढ़ी चढ़ रहा है, सबसे पहली सीढ़ी है फर्स्ट, फिर दूसरी सीढ़ी हम चढ़ते हैं सेकेंड, फिर थर्ड सीढ़ी चढ़ते हैं थर्ड, फिर फोर्थ, फिर फिफ्थ, फिर सिक्स, फिर सेवन। तो असेंडिंग ऑर्डर का मतलब बच्चों होता है नीचे से ऊपर की ओर जाना। जब आप अपने घर में सीढ़ियां चढ़ते होंगे तो नीचे से जब ऊपर की ओर जाते हैं वह कौन सी ऑर्डर होता है? वो असेंडिंग ऑर्डर होता है। तो आप जब भी घर पे जब सीढ़ियां चढ़ना तो ध्यान रखना बच्चों कि आप ऊपर की ओर सीढ़ी चढ़ रहे हो, यानी इट मीन असेंडिंग ऑर्डर। नेक्स्ट, ये देखिए, इसे आप लोगों को बच्चों अरेंज करना है। मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ, फिर आप लोग अपनी कॉपी में इस क्वेश्चन को लिखेंगे और सॉल्व करेंगे, ओके। कोई भी प्रॉब्लम आए तो मुझे बता दीजिएगा, ठीक है। अरेंज ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इन एन असेंडिंग ऑर्डर। देखिए क्वेश्चंस क्या है, सबसे पहले सेवन, टू, सिक्स, वन। और आपको इसमें सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या दिख रहा है बच्चों? ध्यान से देखो, ध्यान से देखो आप लोग, क्या दिख रहा है सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू? क्या दिख रहा है, एक बार देखने की कोशिश कीजिए, ढूंढिए, जल्दी ढूंढिए, बताइए मुझे। वन, ओके। वन के बाद क्या दिख रहा है आपको? वन के बाद क्या दिख रहा है बच्चों? टू। टू के बाद क्या दिख रहा है? सिक्स। सिक्स के बाद क्या दिख रहा है? सेवन, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट भी है असेंडिंग ऑर्डर। सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर मैंने अभी आप लोगों को समझा दिया कि सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू होता है बच्चों। इसमें देखिए ये चीजें दिया हुआ है, क्वेश्चन है, इसे आपको अरेंज करना है। सबसे पहले फर्स्ट है, फिर सेकंड है, फिर फोर है, फिर सेवन है, फिर एट है, ट्वेल्व है। तो देखिए सबसे पहले छोटी वैल्यू कौन सा था? वन, फिर टू, फिर फोर, फिर सेवन, फिर एट, फिर ट्वेल्व, ओके बच्चों। आ जाएगा वीडियो में बच्चों, ये असेंडिंग ऑर्डर का वर्कशीट चार्ट है, ठीक है, जिसे आप लोग खुद से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले क्या काम है, आप सबसे छोटी वैल्यू को ढूंढना बच्चों, कि सबसे छोटी वैल्यू कौन सा है, ठीक है, सबसे छोटी वैल्यू कौन सा है, और सबसे छोटी वैल्यू, फिर उससे थोड़ी बड़ी वैल्यू, फिर उससे थोड़ी बड़ी वैल्यू, ओके। फिर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। कोई भी प्रॉब्लम आए तो मुझसे कॉन्टेक्ट कर लीजिएगा बच्चों। नेक्स्ट वर्कशीट देखिए, नीचे का नहीं करना आप लोगों को, डिसेंडिंग ऑर्डर नहीं करना बच्चों, आप ऑनली ऊपर वाला करेंगे असेंडिंग ऑर्डर, क्योंकि मैंने डिसेंडिंग अभी आप लोगों को मैंने पढ़ाया नहीं है। तो ऊपर के जो क्वेश्चन है बस उसको आप लोगों को सॉल्व करना है। 11 है, 19 है, 2 है, 25 है, और 6 है बच्चों। तो सबसे इसमें स्मॉलेस्ट वैल्यू आपको कौन सा दिख रहा है बच्चों, बताइए? 2 दिख रहा है ना, तो 2 से स्टार्ट करेंगे, 2, 6, 11, 19 और 25, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके पास? 63, 54, 34, 72 और 28। तो सबसे छोटा इसमें कौन सा दिख रहा है? 28। देखिए जब भी इतनी बड़ी और जैसे आपको बिगेस्ट वैल्यू दिख जाए, अगर आपको प्रॉब्लम हो जाए ना बच्चों, तो स्टार्टिंग वाला देख लेना। जैसे देखो 28 में 2 आ रहा है ना, तो 2 से सिर्फ देख लो कि 2 सबसे छोटा है ना, तो 28 को पहले लिख दो। अब उसके बाद आगे की सीरीज चलो, देखो 2 के बाद 3 किस में आ रहा है? 34 वाले में आ रहा है, तो 34 लिख लीजिए। अब 3 के बाद बिगेस्ट वैल्यू कौन सा है? 5 है ना, तो 54 लिखिए। 5 से बड़ी बिगेस्ट वैल्यू कौन सा होता है? 6, यानी 63 आंसर, और उसके बाद लास्ट 72, ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने 12, 21, 10, 29 और 7। तो सबसे पहले आप 7 लिखेंगे, फिर 10 लिखेंगे, फिर 12 लिखेंगे,
फिर 21 लिखेंगे, फिर 29 लिखेंगे, ठीक है बच्चों। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 17, 53, 15, 35, 22। इसमें सबसे स्मॉलेस्ट है 15, फिर 17, फिर 22, 35 और 53। लास्ट क्वेश्चन है बच्चों 29, 18, 31 और 5 और 40। तो सबसे जो स्मॉलेस्ट है कौन सा दिख रहा है, 5 दिख रहा है ना बच्चों, तो 5, 18, 29, 31 और 40। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन दिख रहा है, इसे भी आपको अरेंज करना है। सबसे पहले देखिए एक क्वेश्चन सॉल्व करके दिखा दिया गया, दूसरे वाले बॉक्स में आपको खुद से फिल करने 10, 27, 38, 65। ओके, तो आप इसे सबसे पहले कौन सा लिखेंगे नीचे, 10, फिर 27, 38 और 65, ठीक है बच्चों। नीचे है 27, 5, 40 और 50, तो इसे भी आप फिल करेंगे असेंडिंग ऑर्डर में। सबसे पहले क्या लिखेंगे, 5, फिर 27, फिर 40, फिर 50, 41, 27, 18 और 49। इसमें सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा है, 18, तो 18, 27, 41 और 49। ओके, नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट वर्कशीट ये भी है, 35, 23, 12, 27, ठीक है बच्चों। तो इसमें आप लोग देख लेंगे सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा दिख रहा है, 12, फिर 23, फिर 27, फिर 35। नेक्स्ट है 62, 14, 67, 62। तो इसमें जो भी आपको स्मॉलेस्ट वैल्यू दिखेगा इस वर्कशीट को आप सॉल्व करेंगे, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट वर्कशीट नेक्स्ट देखते हैं, 216, 216। इसमें सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा बच्चा, 1 है ना, तो 1, 2, 6। ओके, तो इस तरह से आप ये सारे वर्कशीट को खुद से सॉल्व करके देखिए, कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर लीजिएगा बच्चों। ओके, नेक्स्ट वर्कशीट देखिए, ये भी है अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर, तो इसे भी आपको सॉल्व करना है। 12 है, 56 है, 22 है, 78 है, 15 है, 26 है। सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू कौन सा आपको दिख रहा है, 12, 15, 22, 26, 56 और 78, राइट। इस तरह से आप दूसरे वाले को भी देखिए, 47, 55, 88, 85, 13 और 44। तो सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू कौन सा बच्चा, 13, ठीक है। 13 के बाद कौन सा आपको दिख रहा है बताइए जल्दी, 44, 47, 55, 85 और 88, ठीक है। तो इस तरह से बच्चों आप वर्कशीट को ट्राई करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वर्कशीट भी हो जाएगा, बहुत स्मॉलेस्ट वैल्यू है तो आप लोग खुद से कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट में भी वैल्यू छोटे छोटे ही है, स्मॉलेस्ट वैल्यू है तो आप इसको खुद से ट्राई करेंगे। ओके, कोई भी प्रॉब्लम आए तो मुझसे बात कर लीजिएगा। नेक्स्ट वर्कशीट भी आप लोग खुद से सॉल्व करेंगे और ये सारे आज काम कंप्लीट हो जाना चाहिए। मुझे सारे लोग करके मुझे व्हाट्सअप करेंगे, ठीक है, मुझे बताएंगे अपने अपने कि काम हुआ या नहीं हुआ। कोई भी प्रॉब्लम आए तो मुझे बता दीजिएगा, और हाँ आप लोग कमेंट सेक्शन के नीचे डाल दीजिएगा, कोई भी प्रॉब्लम हो मैं उसको रिप्लाई करूंगी। अभी एक बच्ची ने मुझे किया भी, तो मैं नोइंग योर नंबर का क्वेश्चन डाल रही हूँ उसके कहने पे, क्योंकि उसने कमेंट किया था मुझे। तो कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट में डाल दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में, मैं उसे पढ़ लूंगी और फिर जो भी होगा, जिसकी जो भी प्रॉब्लम होगा उस प्रॉब्लम को मैं सॉर्ट आउट करूंगी। ओके बच्चों, चलिए देखते हैं नेक्स्ट वर्कशीट और क्या है। ये तो बहुत ईजी है, ये तो आप लोग खुद से कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट वर्कशीट, ये भी हो जाएगा बच्चों, आसान क्वेश्चन है, खुद से ट्राई कीजिए। ओके, नेक्स्ट ये बच्चों 1 से 100 है, बस मैंने ऐसे दे दिया है कि आप लोग एक बार अपना 1 to 100 लिख लीजिए, थोड़ी प्रैक्टिस हो जाएगा। ओके बच्चों, तो आज के लिए इतना काफी है, और ये होमवर्क सारे आज के आज ही आप लोग के कंप्लीट हो जाने चाहिए। कोई भी प्रॉब्लम आए तो कमेंट के नीचे आप लोग डाल दीजिए, मैं उसका रिप्लाई करूंगी, जो भी हो सकेगा मैं करूंगी, ठीक है बच्चों। आई होप कि आप लोग आज ये सारा काम कंप्लीट कर लेंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।